हेलो गाइस, तो मैं एक और ऑसम वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट करना है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए चलो शुरू करते हैं कोई भी टाइम वेस्ट करने से पहले। तो मैं आज बता दूँ कि ये अपकमिंग लॉन्चिंग फ़ोन होने वाला है जो कि आने वाला है आपका वीवो की तरफ से। तो ये काफ़ी बजट में आने वाला है गाइस। तो वीवो ने इसको हाल ही में लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। तो ये आपका 22 मार्च को लॉन्च होने वाला है। तो वीवो ने इसकी लॉन्चिंग डेट की घोषणा कर दी है कि 22 मार्च को ये आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ देखता मिलेगा। तो बात कर लेते हैं इस फ़ोन की। तो इसका पूरा नाम है आपका वीवो Y72। ये एक 5G फ़ोन होने वाला है और काफ़ी बजट में आने वाला है, और ये काफ़ी बजटी गेमिंग फ़ोन भी साबित होने वाला है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छी प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी प्रोसेसर चिपसेट की। तो इसमें आपको दो टाइप के प्रोसेसर शायद ये अवेलेबल करा सकते हैं, या तो आपको ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G आपको प्रोसेसर मुहैया कराएंगे, या फिर आपको मीडियाटेक का डायमेंशन 720 प्रोसेसर आपको ये इसमें दिखने को मिलेगा। तो इस फ़ोन में तो बात कर लेते हैं इसकी ऑपरेशन सिस्टम की। तो इसमें आपको OS देखने को मिलेगा एंड्रॉयड V11 की वह वर्क करेगा। तो बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 6.4 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, या फिर आपको 6.4 इंच की सुपर AMOLED डिस्प्ले भी देखने को मिल सकती है। इसमें अभी कोई खासा कोई अपडेट सामने नहीं आया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों डिस्प्ले में से आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। तो बात कर लेते हैं इसकी कैमरा की। तो ये गाइस आपका क्वाड कैमरा होने वाला है, डेफिनेटली ये आपका क्वाड कैमरा होने वाला है। तो बात कर लेते हैं इसकी क्वाड कैमरा की। तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वायलेट कैमरा भी देखने को मिलेगा, साथ में आपको 2-2 मेगापिक्सल के माइक्रो डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं इसकी सेल्फी कैमरा की, जो कि होने वाला आपका 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी मेन बैटरी की। तो बैटरी में भी अभी ज़्यादा लीकेज देखने को नहीं मिले हैं। ये बोला गया है कि बैटरी काफ़ी मीडियम साइज़ की होने वाली है। तो मीडियम में या तो ये बैटरी आपको 4100mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल सकती है, या फिर 5000mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल सकती है। तो बात कर लेते हैं इसमें चार्जर की। तो इसमें आपको 25W का चार्जर देखने को मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशन की। तो इसमें आपको डायमेंशन देखने को मिल सकती है, उसमें होगी आपकी सबसे पहले हाइट, जो होगी आपकी 163.8 mm की। और बात कर लेते हैं इसकी विड्थ की। तो इसमें आपको 75.8 mm का विड्थ देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं इसकी थिकनेस की। तो ये होने वाली है आपकी 8.9 mm की थिकनेस। इसमें वेट काफ़ी बैलेंसिंग वेट दे रखा है, जो होने वाला आपका 194 grams का। तो बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो इसमें आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल सकती है, और साथ में गुल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल सकती है। इसमें आपको USB टाइप सी भी देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं इसकी रैम वेरिएंट की। तो इसमें आपको 2 RAM variant देखने को मिल सकते हैं, जो कि होगा आपका 6GB RAM 128GB स्टोरेज, और दूसरा हो सकता है आपका 8GB RAM 128GB स्टोरेज। तो इन दोनों रैम वेरिएंट की वजह से इस फ़ोन के प्राइस फ्लक्चुएशन करते हैं गाइस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि अंदर आपका 20,000 के देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक का कि जो आपका 6GB वेरिएंट है वो आपका अंडर 20,000 के आ जाएगा, और जो आपका 8GB वेरिएंट है वो आपका 21,000 के अंदर देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद गाइस, मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, मेरी वीडियो देखना ना भूलेगा।